सो फाइनली अब पेटी को अनबॉक्स करने का टाइम आ गया। मैं इसे पूरी तरीके से खोलता हूँ। अरे थोड़ा देखने दो, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। हियर आई एम स्कटल बट भाई अभी बज रहे सुबह के 6:10 और जस्ट मैं निकल रहा था इधर हल्की सी मॉर्निंग वॉक पे। और फिलहाल देखो इधर मौसम अभी बारिश का जैसा हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से बारिश पड़ नहीं रही वैसे इस इधर जिस मात्रा में पड़नी चाहिए, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। छींटे छाटे पड़ जा रहे हैं, उतना एक्सट्रीम हुआ नहीं है, रात को पड़ रही है थोड़ी बहुत। आज आपकी डेट बता देता हूँ, आज है 9th of July। भाई सुबह सुबह उठते ही बैड न्यूज सुनने को मिल रही है। जैसे कल 8th of July था, कल रामनगर ढीला में एक कार बह गई थी अर्टिगा भाई, उसमें 9 लोग मर गए थे लगा लो तुम। ए कितना बुरा हुआ था। सुबह 5 बजे वो घूमने आ रखे थे बाहर के टूरिस्ट पंजाब से, और आज सुबह जब उठे तो पता चला कि अमरनाथ की जो अमरनाथ केव है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, वहाँ पे बादल फट गया और लगभग 15-20 लोग मर गए हैं, और क्या बोलते हैं बाकी 45-50 लोग अभी भी इंजर्ड हैं या पता नहीं दबे हुए हैं, कुछ पता नहीं। तो भाई रोज़ उठते ही एक बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है, ये एक्सट्रीम वेदर के कारण जो बारिश है आरिश पड़ती है, प्रकृति का प्रकोप कह सकते हैं। एक और चीज़, इतने दिन से कंसिस्टेंस नहीं थे, कुछ मैंने कुछ पार्ट सूट किए थे जब मैं आम लेने गया था, आम किस तरीके से तोड़ रहे थे गांव वाले और मैं आम ले आया था, तो उसके पार्ट्स देखो। और आज कम्प्लीट उन्हें 3 से 4 दिन हो जाता है आम को। हमने एक पेटी में कार्बेट डाल के पकाने के रखा था, क्योंकि मैं कच्चे आम लेके आया था और अभी तक पके नहीं पके। आज उनको भी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। तो पहले प्रीवियस क्लिप देखो जब मैं आम लेने गया था। तो आज अंकल जी आ गए अपने आम तोड़ने, इन्होंने एक थैला बांध रखा है, थैले में इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद थैला नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि आम को नुकसान ना पहुंचे करके। एक एक गिर गया, पका हुआ था। ए सृष्टि तूने खाया नहीं खाया आम है, तू मदद कर रही इनके आम तोड़ने में है, है? तू तो शर्मा रही है यार। आ गया कट्टा, आ गया। ओ चलो आ गया कट्टा, तू जा कट्टे से निकाल आम। आम तो आज सृष्टि मिली हमें यहाँ पे। क्या हाल है सृष्टि बेटे, दिख तो जाएगी तू, कितना मुँह छुपा ले। चल दिया थैला ऊपर, टेक्निक है भाई ये भी, अपनी हर किसी के बस की नहीं है। अच्छा कहाँ रख रहे हो? अच्छा बंदरों ने परेशान कर दिया इसको तोड़ने से। हाँ लंगूर भी आ जा रहे ना, लंगूर तो भागते ही नहीं, तो मतलब ये ड्यूटी कम होगी अगर इसको अभी तोड़ देंगे आम को तो। हाँ डरते नहीं है यार, रस्सी फंस गई ताई जी उधर। हाँ दिक्कत यही है। हाँ अब निकल गई शायद, ये खींचो खींचो निकल जाएगी बस। यो साइड तो निकल गया ना, बच गए आम यो साइड पछल, यो साइड देख दो उस साइड में था आप ही वाला। पर से आम गिर रहे हैं, आम से बचने के लिए सिस्टी यहाँ पे पीछे छुप गई है पेड़ के यहाँ पे। ओ ओ ओ अबे बेटे दिख तो जाएगी। ये अपनी सिस्टी ने पत्ते रख रखे आम से बचने के लिए। ओ क्यों रख रहे हो अपने, पहले बताओ सर में हैं, क्यों रख रहे हो पहले बताओ, पत्ते क्यों रख रहे हो सर में? कुछ गिरेगा उससे बचने के लिए। एक कट्टा और आ गया। अच्छा टोकरी बना रही है उन्होंने, लाए कट्टा इधर ही ले आए। लो कुछ स्माइल वाला लगाओ, रुक तो जा। तो आम ले आया मैं, अब पेटी के अंदर रखने हैं पापा पकाने के लिए, क्योंकि अभी कच्चे हैं और सामने इतनी तेज बारिश पड़ी है मैं बता नहीं सकता। देखो बहुत तेज बारिश आप महसूस कर रहे हो। तो फिलहाल आम आ चुके हैं, अभी तक हमने खाए नहीं, जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है ना जून चल रहा है, जून 23-24 तारीख हो गई, आज 23-24 तारीख हो गई ना जुलाई, और मैं दिमाग खाएं आज जुलाई चल रहा है भाई, जुलाई आज 4 कितनी हो गई, 4-5 तारीख
भाई दिमाग पूरा उतर गया जब से स्कूल कॉलेज जाना छोड़ा है। तो भाई ये आम अब इसमें पकाने के लिए रख रहे हैं और फिर मजे में खाएंगे। हाँ तो आ गए। तो भाई ऐसा कुछ सीन था, ऐसा सा सीन था वहाँ पे, बच्चे बच्चे भी मतलब खेल ली थी और क्या बोलते हैं आम आम तोड़ रहे थे। वो ताई जी दिन भर बैठी रहती है आम के उसमें, तो 18 किलो तकरीबन आम हमने भी लिए थे। वैसे तो वैसे आजकल मिल जा रहे हैं 25 किलो रुपए किलो या 30 रुपए किलो रामनगर में, लेकिन 20 रुपए किलो कच्चे आम लिए हमने, पकाए हमने, बोला मेहनत है ताई जी की तो भाई इनके आम खरीदना ज़रूर बनता है। आम लिए और पकाने डाल लगे, वैसे अभी तक पके तो हैं नहीं, अब उसे आज मैं प्रॉपर ढंग से खोल लूँगा और फिर देखता हूँ कि क्या हाल है उनके, पके हैं कि नहीं पके हैं। भाई देख रहे हो यहाँ से हो गया भाई ये पत्थर लैंडस्लाइड। भाई इसलिए मैं कहता हूँ ना भरोसा नहीं है पहाड़ों का। अब देखो पानी आया होगा लगातार, इस पत्थर को काटा होगा ना, तो ये पत्थर भाई आज ये नया हो रखा है भाई, ये बिल्कुल नया पूरा, यहाँ तक ये देखो टूट के गिर गया होगा, ये चुरी गया बिल्कुल। राइट एंगल में देखो भाई, ऐसे काटते काटते ना कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पहाड़ी खिसक जाता है, तो भाई डर रहता है भाई पहाड़ों में, अच्छा खासा डर रहता है। ये देखो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी है, तो भाई नैनीताल के अल्मोड़ा में भी मान के ही चलो भाई, तुम भाई इस टाइम पे जितना हो सके ना ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए भाई। और क्योंकि यार एक बंदा होता है और एक बंदे के ऊपर लगभग इतने सारे, मतलब अगर बस में हो तो लगभग 30-40 लोग डिपेंड रहते हैं। अब उसकी मानसिकता क्या है, अगर वो गाड़ी घुसा दे तो, या फिर अगर एक गाड़ी में 10 लोग सवार हैं तो एक बंदे के कारण वो गाड़ी घुसा दे मना करने के बाद भी, तो सबकी लाइफ रिस्क हो जाती है। तो इस टाइम पे ट्रैवल जितना हो सके अवॉइड करो, और बाइक से तो आया ही मत करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस टाइम पे। बारिश वारिश का टाइम है, गधेरे नाले सब चालू रहते हैं भाई इस टाइम पे फुल ऑन स्पीड में, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चलाने वाला है वो मेज़र नहीं कर पाता उनका, क्या बोलते हैं कितनी तेज़ी से जा रहा है भाई, ये कितना वेग है इसका नदी का, तो घुसा देता है गाड़ी और क्या होता है बगते चले जाता है भाई और निकल जाता है ऊपर, कोई नीचे को नहीं ऊपर को निकल जाता है, इतना तेज होता है उसका बहाव। तो भाई इसलिए ध्यान में रखना है करके कि जब भी बारिश हो रही है या इस वेदर में अवॉइड करो चीज़ें। और मैं तो ये कहता हूँ करके कि आप अगर कहीं जा भी रहे हो तो भाई ये वेदर फॉरकास्ट, भाई आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, इसको देख के निकलो भाई करके कि मौसम कैसा रहेगा वहाँ का, तो हो सकता है कि आप सेफ रहो। बाकी तो भाई भरोसा नहीं है इधर पहाड़ों में या कहीं भी, क्योंकि वेदर मानसून में जैसे है उत्तराखंड एक जो स्टेट है वो पूरा कम्प्लीटली मतलब वादियों वाला पहाड़ों वाला है, तो ऐसे में क्या होता है जो डिजास्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। चल दिए भाई गुगु सुबह सुबह अपनी बकरियाँ लेकर इनको चराने, आजकल इनकी बकरियाँ रोज कट जा रही है, एक ना एक कम हो जा रही है, तो बेचारी उदास हैं। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ हो रखी है लौकी की तोरई की बेल। अब इसके लिए यहाँ पे मुझे एक डंडा गाड़ना है और उसके ऊपर ये बेल लिपटती जाएगी, तो उसी की तैयारी करते हैं, वो लेके आता हूँ आप किसी से मांग के, क्या बोलते हैं उसे संबल। सो फाइनली ये लग गया, अब ये खाली एक झगुला था, इसको काट के लाए थे पेड़, किसी पेड़ की टहनी, इसको यहाँ पे लगा दिया, अब इसके ऊपर जो बेल आएगी वो लिपट जाएगी। सो फाइनली अब पेटी को अनबॉक्स करने का टाइम आ गया, मैं इसे पूरी तरीके से खोलता हूँ। अरे थोड़ा देखने दो, तो निकाल दे बाकी, कुछ कच्चे भी इसमें, कच्चे भी। तो भाई ये मुझे आम निकालने नहीं दे रहे, पूरा नमस्कार चल दिए, ये मुझे आम निकालने नहीं दे रहे, इन्होंने दो चार निकाल के रख रखे हैं, सो इसी को खाते हैं, मतलब इतने पक गए हैं कुछ एक नहीं पके तो ये खोलने नहीं दे रहे उसे। सो फाइनली आम खा लिया और इट्स यम यार, मीठे हो गए भाई, जब तक थोड़े अधकच्चे टाइप के थे उस टाइम थोड़े खट्टे खट्टे भी लग रहे थे, लेकिन अब जब पक गए ढंग से पक गए लाल हो गए, तो पता नहीं इसका मीठापन भी बढ़ गया आम का, ढकार भी आ गई। सडनली इतनी तेज बारिश पड़ने लग गई, देखो आवाज़ सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो कितना तेज हो रही है बारिश, देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ पास से। सो आज की वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं इसका टलबट इजाज़त चाहूँगा। ये देखो दीवार बन गई है पूरी, बाय बाय।